शेयर बाजार में निवेश के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करने वाली एडवाइजरी फर्म पर सोमवार को SIT ने दबिश दी। कार्रवाई के दौरान कंपनी के ऑफिस को सील कर दिया गया। कंपनी में लगभग 100 कर्मचारी कार्यरत हैं। जानकारी के मुताबिक निवेश के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करने वालों की धरपकड़ के लिए विशेष जाँच टीम बनाई गई थी। इस SIT ने सोमवार को इंदौर में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सोमवार को मंगल सिटी कॉम्प्लेक्स स्थित ट्रेड इंडिया रिसर्च एडवाइजरी पर छापा मारा गया। जम्मू कश्मीर में पदस्थ सेना के जवान राजेंद्र सिंह ने इस फर्म द्वारा लाखों रुपए की ठगी किए जाने की शिकायत की थी। जांच में यह बात सामने आई कि एडवाइजरी कंपनी में लगभग 100 कर्मचारी कार्यरत हैं, जो लोगों को कॉल कर शेयर बाजार में निवेश करने पर जोर देकर रिटर्न का लालच देते हैं। बेहतर लाभ के ऑफर के चलते कई लोगों ने कंपनी की योजनाओं के माध्यम से शेयर बाजार में निवेश किया था, जिसमें से अधिकांश निवेशकों का पैसा डूब गया। कार्रवाई के दौरान कंपनी के कार्यालय से कई निवेशकों के डेटा जब्त किए गए हैं। पुलिस के अनुसार कंपनी के ऑफिस को सील कर उसके संचालकों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। इसके साथ ही IT एक्ट की धारा 66C और D के तहत भी केस दर्ज किया गया है। फिलहाल कंपनी के संचालकों के नाम सामने नहीं आए हैं। सर, आज एक कार्रवाई की है, किस तरह की कार्रवाई, क्या सूचना मिली? इंदौर में जो एडवाइजरी कंपनियों के द्वारा जो ठगी की कार्रवाई की जा रही है, ऐसी बहुत सारी शिकायतें जो हैं मिल रही थी, उसी तारतम्य में जो है एक SIT का गठन किया गया था कि ताकि जो उनकी शिकायतें मिलती हैं उन शिकायतों की गुणवत्तापूर्ण जांच हो और उसमें जो है प्रॉपर एक्शन लिया जाए, ताकि ऐसे जो अपने निवेशक हैं ऐसे लोगों को जो है ठगी से बचाया जा सके। इसी तारतम्य में एक सूचना मिली थी, पुलिस के पास कंप्लेन आई थी कि एक राजेंद्र सिंह करके जो जम्मू कश्मीर में आर्मी की जो गार्ड रेजिमेंट है उसमें पदस्थ है, उसके साथ में ठगी की कार्रवाई हुई है। इस जांच के उपरांत जो है जो मंगल सिटी मॉल में जो विजयनगर क्षेत्र थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ट्रेड इंडिया कंपनी है और उसके विरुद्ध जो है 420, 406, 417, 468, 474 IPC और IT एक्ट की धारा 66C और D के तहत जो है इसमें कार्रवाई की गई है। और इसमें जो है उसके जो प्रबंधक और उसके कर्मचारीगण हैं उन सभी को इसमें आरोपी बनाया गया है। पुलिस विवेचना कर रही है। इसके अलावा ये किस प्रकार से यहाँ अकाउंट खुलवाते थे या किस प्रकार से अन्य चीज़ें करते थे, फ़ोन किन सिम पे आता था, वो सारे जितने भी विवेचना के पहलू उन सभी विवेचना के पहलुओं पे पुलिस जाँच कर। सर, कितने लोगों का डाटा इनके पास था और किस तरह से ये उसी सभी जो है वो डेटा इनके पास कितना था, उस संबंध में जो भी इनके पास जो भी गैजेट्स हैं जो भी इनके पास रिकॉर्ड है उन सभी रिकॉर्ड्स को खंगाला जा रहा है और उसके आधार पर जो है मालिक का नाम आया हुआ कुछ इसमें, कौन इसका प्रबंधक है, कौन ऑनर है, कौन कौन एम्प्लॉई हैं, उन सभी के बारे में डिटेलिंग से ली जा रही है। और अभी चूंकि कायमी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही जो है ये प्रकरण कायम करके विवेचना में लिया गया है, वो सारी चीज़ों की पुलिस पड़ताल। सर, सेबी का जो इन्हें नंबर जिसे जो इन्वेस्टमेंट के लिए लिखा जाता है, अगर वो फ्रॉड होता तो उसमें कौन से कार्रवाई होती है, सेबी का नंबर लेकर फ्रॉड करना? इसमें जो जो भी कार्रवाई बनती है, जो IPC के सेक्शंस के तहत कार्रवाई बनती है या जो सेबी के रजिस्ट्रेशन के जो वायलेशन में इन्होंने कार्रवाई की है, जितनी भी विधि संगत कार्रवाई हो सकती है उन सभी सुसंगत धाराओं में विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अपनी टीम में कितने लोग लगे होंगे यहाँ पर अभी ये कार्रवाई के अंदर? इसमें SIT के निर्देशन में ये कार्रवाई हो रही है, इसके साथ साथ इसमें लोकल जो है पुलिस का भी मदद इसमें ली जा रही है।